मसीही तलीम दी क्लास दे सारे ही बच्चों नूं यीशु मसीह दी क्लास 12वीं। उम्मीद है कि तुसी सारे मसीही तलीम दियां ऑनलाइन क्लासां नूं बड़े ही ध्यान दे नाल सुणदे आ रहे हो अते अध्याय 6वें दे प्रश्नां उत्तरां नूं नोट कर लिया होवेगा। अज दे असी मसीही ऑनलाइन क्लास दे विच अध्याय 7वां पवित्र रोजरी माला दे जाप दे अध्याय नूं पढ़ांगे। रोजरी का इतिहास। यीशु दी सलीब दे लागे उन्हां दी मां मरियम अपनी भैन दे नाल खलोती सी। उन्हां दे नाल कलोपास दी पत्नी मरियम अते मरियम मगदलीनी भी सन। यीशु ने अपनी मां अते उस चेले नूं जिस नूं ओह प्यार करदे सन लागे खड़े वेख्या तां ओह अपनी मां नूं बोले, मां देख तेरा पुत्तर, अते चेले नूं भी कहा, देख तेरी मां। उसे वेले ओह चेला मरियम अर्थात यीशु दी मां नूं अपने घर लै गया। प्रभु यीशु दे इस वचन तो मां मरियम दे लई कलीसिया विच भगती शुरू हुई। ये यीशु दे सलीब दे थल्लों यीशु ने कहने ते यूहन्ना यीशु दी मां नूं अपने घर लै गया। सिर्फ यूहन्ना ही नहीं सगों बाकी सारे चेले भी मां मरियम नूं अपनी मां मानदे सन। कलीसिया दे दस्तूर दे मुताबिक मां मरियम है जिसने 12 चेलियां नूं पेंतेकोस्त वाले दिन रूपाक दी उडीक लई इक थां इकट्ठे रखिया। मां मरियम ने आसमान उठाया जाने के मगरों भी चेले यीशु ते कलीसिया दे सारे जी मां मरियम नूं अपनी मां मानदे आए अते अज भी कैथोलिक कलीसिया अते ईमान रखण वाले मां मरियम नूं अपनी मां मानदे हन। मां मरियम कलीसिया दी मां है। जदों यहूदी कौम विचों ईसाई कौम बनी, यहूदियां दे 150 जबूरां दी जगह ईसाई संगत 150 वारी खुदावन दी दुआ जाने ऐस साडे बाप दी दुआ पढ़न लग पए, क्योंकि बहुतियां दे लई सारे जबूरां नूं याद करना बड़ा औखा सी। कई सालां बाद 150 वारी खुदावन दी दुआ दी जगह सलाम ए मरियम दी दुआ अर्थात जबराइल फरिश्ते दा मरियम दे लई सलाम नूं दोहराउण लगे। सलाम ए मरियम दी दुआ मौजूद रूप विच आउण तों पहलां कई पड़ावां च लंघी। शुरू विच सिर्फ महाफरिश्ते जबराइल दा सलाम ही लैंदे सन। सलाम ए मरियम फजल नाल परी हुई खुदावन तेरे नाल है, संत लूका ने अंजील उसका एक बाब उसकी 28 है। 12वीं सदवी विच एलिसबा दे प्रणाम नूं फरिश्ते दे सलाम नाल जोड़ दिता, तू औरतां विचों तन है ते तेरे कुख दा फल भी तन है, संत लूका दी अंजील उसका एक बाब उसकी 42वीं आयत। संत पापा उर्बन 4 ने एलिसबा दे इस सलाम दे अंत विच यीशु नाम जोड़न लई हुक्म। ये 23वीं सदी विच सी। 1427 विच सी एन दे संत बरनार्ड ने इस सलाम दे नाल ए हज़रत मरियम खुदा दी मां साडे लई दुआ कर जोड़ दिता। 16वीं सदी विच असां गुनाहगारां लई दुआ कर हुण अते साडी मौत दे वेले भी जोड़िया गया। सन 1214 विच संत डोमिनिक अते संत साइमन स्टोक ने जरिए पवित्र रोजरी दी प्रार्थना कलीसिया दे लई मुकर्र कीती गई। 2 सदियां तों बाद करथूशी अमन जमात दे सन्यासी 150 सलाम ए मरियम नूं अते 15 भागां विच वंड के 10-10 दी लड़ी बनाई अते हर 10 सलाम ए मरियम तों बाद उन्हां ने प्रभु यीशु दे जन्म दुख अते महिमा दे भेद अलग अलग हिस्से दे उत्ते मनन चिंतन करन लगे। 16वीं सदवी तक पवित्र रोजरी दी प्रार्थना 15 भेदां दी प्रार्थना बन गई। हरेक भेद दे पहले एक ऐ साडे बाप ते हर भेद दे बाद पाक तसलीस दी वडाई दी प्रार्थना जोड़ी गई। समय के घाट के कारण यह 150 सलाम ए मरियम नूं 3 हिस्सों विच वंड के हर हिस्से नूं 50-50 सलाम ए मरियम दे भेद बना ते दिन दे 3 पैर यानी सवेर दोपहर ते शाम दा समां खुशी दुख ते महिमा दे चिंतन करन लई ठहराया। बाद विच ये 3 भेद हफ्ते दे अलग अलग दिनां विच विचकार करन लई फरमाया गया। खुशी दे भेद सोमवार ते वीरवार नूं, दुख के भेद मंगलवार तो शुक्रवार को, अते महिमा के भेद बुधवार तो शनिवार ते ऐतवार को विचार करने लई दस्या गया। सन 2002 विच पॉप जॉन पॉल दूजे ने इन तिना भेदों के नाल चानण के भेद भी जोड़ दिते ते हफ्ते के अलग अलग दिन अलग अलग भेदों ते विचार करने लई कहा। सोमवार ते शनिवार नूं खुशी दे भेद, मंगलवार ते शुक्रवार नूं दुख दे भेद, बुधवार ते ऐतवार नूं महिमा दे भेद अते वीरवार नूं चन्न दे भेद। हरेक भेद दे विचकार ऐ निहायत मेहरबान यीशु, साडे गुनाह सानूं माफ़ कर, सानूं नरक दी अग तों बचा, सारियां रूहां नूं सुरग वल खिच लै, खास करके उन्हां नूं जिहड़ियां तेरे रहम दीआं बहुतियां लोड़वंद हन।
ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਮਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਲੂਸੀ ਅਤੇ ਜਸਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਰੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1495 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਲੈਕ ਕਮਾਂਡਰ 6ਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਅਲਫੋਨਸ ਲਿਗੋਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹੀ ਸੰਤ ਨੇ ਰੋਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਪ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਫਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਡੋਮਿਨਿਕ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। 1858 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੁਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਦਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1917 ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਟੀਕਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਰੋਜਰੀ ਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਗਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਪਿਊਸ 5ਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 1571 ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਪਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਗ੍ਰੇਗਰੀ 8ਵੇਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਜ਼ਰੀ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਲਿਓ 9ਵੇਂ ਨੇ 1716 ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਜ਼ਰੀ ਦੀ ਈਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਉਹ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਰੀਅਮ, ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਆ ਰੋਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਡੋਮਿਨਿਕ ਨੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵਸੀਲੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਦੁਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਣਕੇ ਸਿਰਫ ਮਣਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਬਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੋਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 200 ਵਾਰੀ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਅਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਦੇ 150 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਦਿਲੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਲੀਸਿਆ ਰੋਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਪਾਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਾਸ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 5, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਗਨੀ ਤਾਤੇ ਸਾਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਐਲਨ ਦੇ ਲਾਰੋਚੇ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸੰਤ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੌਲੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ 3 ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰੇ ਡੋਮਿਨਿਕ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਖੁਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਡੋਮਿਨਿਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ
साडी मुक्ती दा मुख साधन रहे हो। मां मरियम ने जवाब दिता, अजे पापां दे खिलाफ लड़ाई विच वरत्या जाण वाला मुख हथियार फरिश्ते दे पैगाम दी दुआ है, जो नवे नियम दी आधारशिला है। इसलिए जेकर इन्हां कठोर पापियां तक पहुंचना चाहुंदा है तां उन्हां दे दिलां नूं खुदा वल मोड़ना चाहुंदा है, तां मेरी दुआ दा प्रचार कर। माता मरियम तो दिलासा प्राप्त कर अते पापियां दे मन तब्दीली ओ तेजी नाल सीधा कैथेड्रल वल गया। अचनचेत फरिश्ते लोकां नूं इकट्ठे करन लई चर्च दी घंटी वजाउण लग पए। लोक इकट्ठे हो गए ते संत डोमिनिक उन्हां दा प्रचार करन लग पए। जद उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तां तूफान आ गया, धरती हिल गई, सूरज काला हो गया, बिजली गरजन लग पई ते लोग डर गए। उन्हां दा डर होर भी वध गया जदों उन्होंने उच्ची थां ते मां मरियम दी तस्वीर प्रगट होई वेखी, जिसने स्वर्ग वल हाथ उठा के खुदा अगे अरदास कीती कि जे ये लोग अपने मन ना बदलन अते अपने जीवन ना सुधारन अते मां मरियम की सुरक्षा ना मंगन तां खुदा दा कहर उन्हां उत्ते आ पवे। इस दैवी तरीके नाल खुदा की इच्छा सी कि रोजरी की शर्त आखिरकार संत डोमिनिक की बेनती ते तूफान थम गया ते उस प्रचार करन लग पए। उन्हां इन्नी जोर अते गर्मजोशी नाल रोजरी की महत्ता अते कीमत का प्रचार किया, फ्रांस के लगभग सारे लोगों ने अपने झूठे विश्वासों नूं त्याग के रोजरी नूं अपना लिया। थोड़े समय में शहर के लोगों में बहुत तब्दीली देखी गई। लोग अपने बुरे काम त्याग के एक चंगी मसीही जिंदगी बसर करन लग पए। पवित्र आत्मा तो प्रेरणा पा के अते मां मरियम की हदायत अते अपने व्यक्तिगत तजर्बे अनुसार संत डोमिनिक सारी उम्र रोजरी का प्रचार करते रहे। उन्होंने अपने उदाहरण राही समाज के हर वर्ग अनपढ़ अते पढ़े लिखे कैथोलिक अते गैर कैथोलिक विच रोजरी का प्रचार किया। वो अपने प्रचार की तैयारी वजो रोजरी माला जपते सन अते इस तो एक दम बाद उन्हां दी मां मरियम नाल मुलाकात हो जाती सी। एक दिन संत डोमिनिक ने नोटरे दामे पैरिश विखे प्रचार किया सी। आम वांग ही वह अपने भाषण की तैयारी रोजरी पढ़ते रहे सन कि मां मरियम उन्हां अगे प्रगट होए अते उन्हां नूं कहा, डोमिनिक तुसी भावें जिन्ना मर्जी वधिया भाषण तैयार कर कीता होवे पर मैं तेरे लिए उस तो वधिया भाषण तैयार कर कीता है। मां मरियम ने डोमिनिक नूं एक किताब दिती। डोमिनिक ने यह भाषण पढ़िया, इस नूं समझिया ते इस ते चिंतन कीता ते मां मरियम दा धन्नवाद कीता। जदों समा आया वह बोलन लग पए, यह प्रचार करना संत जॉन दी एवेंजलिस्ट दी ईद सी पर डोमिनिक ने संत दे बारे एक भी शब्द ना बोलिया, सगो उसने रोजरी प्रचार करना शुरू कर दिता। उन्होंने सलामे मरियम शब्द दर शब्द इस तरह समझाया जिमें वह बच्चों समझा रहे हों, उदाहरण दिती जिहड़ियां उस किताब विच दित्तियां गईयां सन जिहड़ियां मां मरियम ने उन्होंने दित्ती सी। होर भी बहुत सारी वार मां मरियम ने संत डोमिनिक नूं दर्शन दे के रोजरी का प्रचार करन लई प्रेरिया। यह भी लिखा गया है कि प्रभु येसु ने भी संत डोमिनिक नूं दर्शन दित्ते अते कहा, डोमिनिक मैनू खुशी है कि तू अपनी बुद्ध ते भरोसा करन दी बजाय अते मनुखी वाह वाह खटन दी तां बड़ी निम्रता नाल आत्मा दी मुक्ति दा काम कर रहा है। बहुत सारे पुरोहित इसके उल्ट काम करते हैं, वह गुनाहों के खिलाफ बड़ा गरजते हैं तो ये भुल जाते हैं कि मरीज को कौड़ी दवाई देने तो पहला उसके फायदे दस के उसका मन तैयार किया जाता है। हर वस्तु भावें कितनी भी पवित्र क्यों ना हो बदल जाती है, खासकर जेकर वह मनुखी इच्छा से निर्भर करते हैं। संत डोमिनिक तो बाद एक सदी लई रोजरी की भगति प्रफुल्लित रही पर फिर इस विच कमी आई। इस विच कोई शक नहीं, शैतान ईरखा करके लोगों लिए खुदा की कृपा रोकने लिए रोजरी की भगति विच विघन पाता है। 1349 विच खुदा ने यूरोप विच भयानक प्लेग नाल सजा दिती। पूर्व तो शुरू होकर यह इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और हंगरी विच फैल गई। जिथे भी यह फैली 100 बंदे पिछे एक ही बचिया। वड्डे वड्डे शहर, कस्बे, पिंड और मठ उजड़ गए। मां मरियम ने धन ऐलान नूं रोजरी की भगति शुरू करने लिए कहा। एलन डोमिनिक जमात का एक फादर सी जो धर्म शास्त्री प्रसिद्ध प्रचारक सन। एक दिन फादर एलन नूं प्रभु येसु ने कहा, मेरी प्यारी माँ की रोजरी माला का प्रचार करना चाहिदा है तां कि बहुत सारे रूहां पापा तो मुड़न, पर तुसी ये की कर रहे हो, इसलिए लोगों के पापा लिए तुसी जिम्मेवार हो। धन एलन ने
बिना रुके रोजरी की भगती फैलाने का फैसला किया। माँ मरियम ने भी उसनों दर्शन दे के रोजरी की भगती फैलाने लिए प्रेरित किया। संत डोमिनिक ने भी उसनों दर्शन दे उस रोजरी द्वारा रोजरी की भगती फैलाने के नतीजे उसनों दिखाए। जदों तो डोमिनिक ने पवित्र रोजरी की थान स्थापना की तो फिर धन एलन ने 1460 में पुनर स्थापना की। उदों तो ही इसनों प्रभु येसु और माता मरियम के जबूर कहा जाता है, क्योंकि जबूरों की पोथी में जिन्ने जबूर हैं उन्नी वारी इस वे सलामे मरियम की दुआ है, क्योंकि अनपढ़ लोग जबूर नहीं पढ़ सकते, इसलिए रोजरी की माला जप सकते हैं। रोजरी का अर्थ है गुलाब के फुलों का ताज। हर बार जदों कोई रोजरी पढ़ता है वह प्रभु येसू ते माता मरियम के सिर ते 153 चिट्टे गुलाबों के 16 लाल गुलाब रखता है। यह स्वर्गी फुल कदे मुरझाते नहीं हैं, इसलिए रोजरी एक वड्डा ताज है। पांच भेद का हर 10 सलामे मरियम फुलां दा हार है जिहड़ा असी प्रभु दे सिर ते रखदे हाँ। उस्तुति माला जां लितानिया की है? जदों असी इकट्ठे हो के एक समूह की तरह प्रार्थना करते हाँ तो अक्सर असी उस्तुति माला जां लितानिया के रूप में प्रार्थना करते हाँ। लितानिया एक दुआ की दुहाई जो खुदा अगे पेश की जाती है। इसकी आगू ये द्वारा अगवाई होंगी है, जिस तरह फादर लोग ते श्रद्धालु जो जवाब देंदे हन। ये बोली भी जा सकती है ते गाई भी जा सकती है। पाक मास दे विच बहुत तरह दियां उस्तति मालावां जां लितानियां हन, इत्थों तक कि ऐ लेले खुदा दे ते ऐ प्रभु दया कर। लितानियां कलीसिया दे इतिहास विच बहुत पहला शुरू हुईयां सन। शायद ऐ प्रभु दया कर लितानी सब तो पुरानी ईसाई उस्तत माला है। पहला दी कलीसिया रोम में जो एक पवित्र जगह तो दूजी जगह वाल जाते सन तो कई तरह दियां लितानियां बोलते सन। इस तरह अगे होर भी लितानियां होंद विच आईयां। अज सब तो वध वधिया ते प्यारियां लितानियां संतां दियां लितानियां हन। इन लितानियां विच बहुत सारे संतां दे नाम आगू द्वारा बोले जाते हैं। असी सारे संतां नूं साडियां लोड़ां लई उहदा अगे दुआ करन लई सहायता मंगदे हुए जवाब दिंदे हाँ। साढ़े लिए दुआ कर इन्हां लितानियां विच असी सीधा खुदा बाप अगे भी प्रभु येसु ते रूह पाक द्वारा प्रार्थना करते हाँ। फरिश्ते दा पैगाम। इस प्रार्थना का नाम इस विचले पहले शब्द खुदावन का फरिश्ता मरियम को स्नेहा लियाया तो लिया गया है। ये एक सौखी छोटी ते जल्दी नाल याद होने वाली दुआ है, जिसनों सवेर वेले दोपहर ते शाम वेले दोहराया जाता है। ये दुनियावी मुसीबतों ते साडे कम्मां काजां विच साडी मदद सामने खुदा दे मनुख बन के आउण दे भेद नूं जाहर करदी है। इस प्रार्थना विच असी पाक तसलीस दे भेद बारे सोचदे हाँ। खुदा बाप जो बेटे नूं धरती ते भेजते, पवित्र आत्मा जो मां मरियम नूं अपनी छाया करदी है, इस नाल ही असी मसीह दे दुख भोग मौत ते जी उठण बारे भी वेखदे हाँ। जिस लई प्रभु येसु इंसान बणे, ये खुदा दे मनुखां नाल अथाह ते कदी ना खत्म होने वाले प्यार दे भेद नूं प्रगट करती है। नैतिक पद्धर तो जदों असी ये दुआ करते हाँ तो असी अपनियां लोड़ां विच खुदा की आवाज़ सुन अते उसकी आग्ञाकारी ते विचार करते हाँ कि किवें खुदा आस ना किते जांदे समय विच साडे नाल बोलता है ते वी ओ किहड़े ढंगां नाल साडे नाल बोलता है। ये दुआ तीन वारी यानी सवेरे, दुपहरे, शाम नूं पढ़ी जाती है। इस विच तीन वार सलाम ए मरियम पढ़िया जाता है, जिस दे नाल हर वार मसीह दे देह धारण ते उसदे आउण दे सुनेहे नाल मिलदे बाइबल विच हवाले बोले जाते हैं। इस प्रार्थना का उत्थान मध्य युग विच पछम विच होया। शुरू विच यह प्रार्थना सिर्फ शाम नूं ही पढ़ी जाती सी। पॉप ग्रेगरी 927 तो 1241 ने सलीबी परवानिया लई प्रार्थना करन लई इस दुआ समय घंटी बजाउण दा हुक्म दित्ता सी। दोपहर वेले इसनूं पढ़न रवायत अनुसार शुरू विच सिर्फ शुक्रवार नूं प्रभु येसु दे दुख भोग नूं याद करन लई ही सी। इसदा सुझाव 1386 विच प्रयाग दी बैठक ने दित्ता सी। 1456 विच संत पापा कलस्तुस तीजे ने तुर्की उत्ते जित हासिल करन लई सारे हफ्ते विच दोपहर पढ़न लई लोकां नूं किया। 16वीं सदी विच एक उच्च पद्धरी दुआ बन गई।